हेलो हेलो। हेलो, नमस्ते पापा जी। हाँ नमस्ते बेटा, कहाँ पहुंचा? बस पापा, अभी अभी चंबा पहुंचा। बस पार्किंग कर रहा हूँ गाड़ी की। अच्छा, हाँ रूम वगैरह फिर ठीक बस आ गए अभी लेने, सामान लेने, फिर रूम पहुंच के करता हूँ मैं आपसे बात। ठीक है, खाना खा लियो और अपना नई जगह में ध्यान रखना। है ठीक है पापा जी, कोई बात नहीं, टेंशन कोई बात नहीं, मैं करता हूँ आपको पहुंच के कॉल, है ना। रूम ओके बेटा, फोन करता रहना। ठीक है पापा जी। ओके ओके जी नमस्ते, मुझे शर्मा जी ने भेजा था। अच्छा, आपको भेजा शर्मा जी ने? दिल्ली से है ना? हाँ जी। अच्छा, हाँ तो मैं रूम दिखाता हूँ आपको। अरे सामान ही मैंने हाँ, मेरा गाड़ी चलो ठीक है। चलें सर फिर। चलो हाँ, पास ही है थोड़ा। नमस्ते मामा जी, ठीक हूँ, आप ठीक हैं? कुछ नहीं, अरे थोड़ी बहुत खांसी थी, ठंड हो गई है थोड़ी बहुत, बाकी ऐसे कुछ नहीं। अरे बिजी था, खा लूँगा बाद में, शाम को तो कर लूँगा डिनर, दिन में बिजी था। अरे ठंड हो गई ना। हाँ जी, और सब ठीक है? ठीक है ठीक है, करता हूँ फिर, है ना? ठीक ओके। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, ये आपने दिन में 2 बार लेनी है, खाना खाने से पहले, और 7 दिन बाद मुझे फिर से दिखाना है। ये लीजिए। नेक्स्ट नमस्ते। तो नकुल जी, क्या दिक्कत हुई आपको? खांसी हो रही है। खांसी है? कितने हफ्ते से खांसी है? 3-1 हफ्ते। इसके अलावा कोई और दिक्कत? बुखार। बुखार कब से आपको? खांसी के साथ ही। खांसी के साथ आपको बलगम तो नहीं आता है? बलगम आ रहा था। बलगम में खून की कुछ नहीं? खून तो नहीं। बुखार रात को चढ़ता है कि दिन को? पता नहीं, लेकिन रात को सोता तो पसीने पड़ जाते हैं। खाना ठीक तरीके से खा रहे हैं? भूख तो नहीं लग रही मेरे को पहले तो। वजन तो नहीं कम हुआ है आपका? पता नहीं। आप दारू या सिगरेट का सेवन तो नहीं करते हैं? सिगरेट भी तो। ये लीजिए, नीचे से इनका एक्सरे करवा के ले आइए। और ये लीजिए, आप हमारे SRO लैब में 2 सैंपल देंगे, एक अभी और एक कल सुबह। ठीक है, कल सुबह जो आप सैंपल देंगे वो आप सुबह उठते ही सबसे पहले देंगे, बिना ब्रश करे। इस बॉटल में 5 ml तक के मास्क में आपको अपना स्पूटम भर के नीचे देना है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ तक जी, ये लीजिए। नेक्स्ट करवा दीजिए डॉक्टर।
यही ले टीबी हो गया है और हमें इनकी डॉट्स रिजिंग शुरू करनी है, ठीक है? देखिए, आपको सिगरेट और अल्कोहल का कंजप्शन कम करना पड़ेगा और आप प्लीज इनकी डाइट का ख्याल रखा करें, ठीक है? और खाने के बाद इसके पीछे से एक नंबर निकलेगा जिस पे आपको मिस कॉल देनी है। आपको ये कोर्स अगले 6 महीने तक करना है, ठीक है? और आप ध्यान रखें कि ये रोज अपनी दवाई खा रहे हैं। ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल। मैं हूँ आपका अपना नकुल और मैं हूँ चम्मा की हसीन वादियों में और आई एम सो सॉरी कि पिछले 2 महीने से मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, जबकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने साथ नई जगह वो एक्सप्लोर करवाऊँगा। लेकिन पास्ट 2 महीनों में मेरे साथ एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ जो कि मुझे लगता है कि नॉट जस्ट एज अ व्लॉगर बट एज अ जनरली भी सभी को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को अभी के लिए यहीं पॉज करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर के बाद। तो कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पास्ट 2 महीने में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। तो वो इंसिडेंट था कि आई वॉज डायग्नोज विद ट्यूबरकुलोसिस। डर लगा, मुझे भी सुन के बहुत डर लगा था जब मैं डायग्नोज हुआ था। तो मैं चंबा में आया था काम के सिलसिले से, ठीक है, फोटोशूट्स के सिलसिले से आया था चंबा, जो कि काफ़ी प्रेवलेंट एरिया है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। जैसा कि पता ही है सभी को कि ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे बहुत आम है, तो मुझे भी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो मुझे ही क्यों ट्यूबरकुलोसिस हुआ, तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा, गूगल पे भी उसके बारे में। जब मुझे हुआ तो मैं काफ़ी डर चुका था। मैंने गूगल किया, डॉक्टर्स के पास गया, एक डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर के पास गया कि मुझे ही क्यों हुआ ट्यूबरकुलोसिस। तो बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आए उसमें, सामने निकल के आए, क्योंकि मेन फैक्टर जो मुझे लगता है कि कॉमनली हर एक फैमिली में प्रेजेंट होंगे, वो फैक्टर्स मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। तो वो फैक्टर था सबसे पहले डाइट, सेकेंड स्मोकिंग, थर्ड अल्कोहलिज्म। डाइट पर बात करते, मैं मेट्रो सिटीज़ में रहता था, मैं उठता ही 10 बजे, तो ब्रेकफास्ट तो मैं लास्ट के 6 महीने से मुझे नहीं लगता मैंने कभी ब्रेकफास्ट किया होगा। और ट्यूबरकुलोसिस के लिए प्रोटीन रिच अगर आपकी डाइट रहती है, सुबह का ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच रहता है, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी इतनी रहेगी। लेकिन मैंने 6 महीने से मेट्रो सिटी में कभी किया ही नहीं ब्रेकफास्ट, प्रोटीन तो दूर की बात है। उठूंगा, लंच भी बहुत मुश्किल है, काम में बिजी हो गया, कभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो एक रिस्क फैक्टर मेरे अंदर ये बहुत बड़ा था। सेकेंड स्मोकिंग, हर आधे घंटे के बाद मेरे हाथ में एक सिगरेट होती, जो कि मैं प्रिवेंट कर रहा हूँ। अभी मैंने छोड़ी है क्योंकि मैं अभी दवाइयाँ ले रहा हूँ जो कि मुझे रिजल्ट्स मिला है अच्छा, तो मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ। थर्ड शराब, मैं हफ्ते में मतलब 3-4 दिन मैं पी लेता था काफ़ी। तो ये फैक्टर्स थे जो मुझे लगता है कि मेरे को इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस हुआ। मेरी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई थी यहाँ पे, मतलब लाइफ साइकिल मेरी बिल्कुल भी एक हेल्दी नहीं थी। लेकिन अब जब मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ तो मैं लाइफस्टाइल चेंजेस भी मैंने किए हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ये शाम के टाइम है, मैं एक जूस पीता हूँ शाम के टाइम, और मैं हेल्दी डाइट में ये देखो स्प्राउट्स दिखाता हूँ आपको, ये देखो स्प्राउट्स ले रहा हूँ जो कि प्रोटीन के लिए मैं स्पेशली इसको लेता हूँ, और अंगूर है, संतरे हैं, ये मैं खा रहा हूँ इसी वजह से कि मेरी डाइट हेल्दी रहे। तो बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे, कंटिन्यू करते हैं इसी ब्लॉग को। हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अभी सुबह के 6 बजे और मैं उठ चुका हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे टीबी डायग्नोज हो गया था, तो अभी मुझे 4 महीने हो चुके हैं डॉट्स का ट्रीटमेंट लेते हुए, अब मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम गलती जिस टाइम लोग करते हैं कि वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं जब वो लगता है उन्हें कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, मुझे दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको दवाई पूरी कंटिन्यू करनी है जब तक कि आपको कहा गया है। तो मुझे 6 महीने का कोर्स डॉक्टर ने कहा है तो मैं वो पूरा करूँगा, और जो जो चेंजेस उन्होंने मेरे को करने को कहे हैं मैं वो कर रहा हूँ। और मैं अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एक्टिव लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए सुबह उठ के अभी एक्सरसाइज करने वाला हूँ। मैं कोई जिम नहीं जाता, मैं जनरल एक्सरसाइजेस घर में करता हूँ। तो गाइस देखो, गाइस मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया है, अब मैं आ गया हूँ अपनी किचन में, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और अब मैं पीने वाला हूँ बनाना शेक, और 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट लूँगा, ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट एंड ओट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रेकफास्ट पहला मील होता है दिन का, वो मिस ना करें।
क्योंकि आपको नहीं पता आप किस प्रोन एरिया में चले जाएं, किससे इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं। तो एक बेसिक सी चीज़ है जो आपके किचन से कोई भी कर सकता है, खाना खा के जो एटलीस्ट आप एक रिस्क फैक्टर तो कम कर रहे हो ना चीज़ के लिए। तो इट्स ईजी, ब्रेकफास्ट करके निकलो घर से। तो मैं अब जो मैंने चेंज किया है पहले से अपनी डाइट में, वो मैं ब्रेकफास्ट करता ही करता हूँ, और मैं ब्रेड ऑमलेट एंड ओट्स खाऊँगा। फिर दिन को लंच कॉमन दाल चावल, कुछ ज़्यादा नहीं, और बस दीज आर द चेंजेस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपका अपना कुणाल। मैं अभी डिनर करके आया हूँ, और डिनर में मैंने खीर और दाल चपाती खाई है, और ये चम्बा में मेरा आखिरी ब्लॉग होगा क्योंकि इसके बाद मैं वापस दिल्ली के लिए अगले हफ्ते तक निकल रहा हूँ। तो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ आज, वो टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। जैसा कि आपको पता है मुझे टीबी डायग्नोज हो चुका था, और पिछले 6-7 महीनों से मैं टीबी की रेगुलर दवाइयाँ खा रहा था। तो मुझे 1 महीना हो चुका है, मेरा दवाइयों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 2 बार हॉस्पिटल में जांच करवा ली और मेरे टेस्ट टीबी के लिए नेगेटिव आए हैं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे ऐसा आज लगा कि मुझे इस पे एक आप लोगों से बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे इस बताने से किसी एक भी इंसान का फ़ायदा होता है तो इट्स वर्थ मेकिंग इट। तो आपको टीबी के लक्षण तो सभी को पता है, किसको नहीं पता कि टीबी के क्या लक्षण है। 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी, आपको बुखार, बलगम, बलगम में खून का आना, ये कॉमन सिम्टम है, सभी को पता है। लेकिन फिर भी टीबी इतना प्रेविलेंट क्यों है? रीज़न, इग्नोरेंस, नज़रअंदाजी जो हम करते हैं। लक्षण आए कोई बात नहीं, चले जाएंगे, वेट करते रहेंगे महीनों का, उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे, और फिर हम टीबी का डायग्नोस हमें मिलेगा कि हमें टीबी हो चुका है। उससे पहले पता नहीं कितने ही पेशेंट्स को आप टीबी ट्रांसमिट कर दोगे। आपके इसी नज़रअंदाजी के चलते कितने लोग और जिनको की टीबी हो जाएगी। इससे बढ़िया कि आप एज सून एज पॉसिबल अपने सिम्टम्स को पहचाने और नज़दीकी अस्पताल में जाएं और प्रॉपर उसका इलाज करवाएं। और इलाज के दौरान क्या लगता है कि आपको 3 महीने के दौरान, जब मैंने दवाइयां ली थी मुझे 3 महीने में बिल्कुल ठीक फील करना शुरू हो चुका था, तो मेरा मन किया था कि मैं दवाइयां छोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको 6 महीने का प्रिस्क्राइब कोर्स पूरा करना ही करना है, चाहे आप ठीक फील करते हो कोर्स से पहले भी। गाइस, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको टीबी से मुक्त जिंदगी दे सकती है। उसमें बेसिक चीज़ क्या है? अपना सुबह का मील। आप घर से ब्रेकफास्ट करके निकलिए, कितना वक्त जाया होगा एक ब्रेकफास्ट करने, खाना खाने में? आप किसके लिए खाना खाओगे? अपने लिए, बस एक ब्रेकफास्ट करना है। एक जल्दी के चक्कर में आप ब्रेकफास्ट छोड़ जाते हैं, और आपको ये नहीं पता मैं कितने लोगों से मिलूंगा, कहां जाऊंगा, आपको ये नहीं पता, और कहां से आप कैरी करके टीबी आपको हो जाएगी। 500 रुपये महीने का देती है सरकार, अगर आप नहीं ले पा रहे तो 500 रुपये से ले लें, अगर आप ले पा रहे हैं तो 500 रुपये से अपने सप्लीमेंट में कुछ ऐड करें अच्छा खाने के लिए प्रोटीन। लेकिन नहीं, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। सेकंड रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग। गाइस, मैं एक क्रॉनिक स्मोकर था, अब मैं स्मोक नहीं करता। जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल काम है स्मोकिंग छोड़ना, लेकिन विल पावर से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और टीबी से आप मुक्त रह सकते हैं। सो गाइस, मैं यही कहना चाहता था आप लोगों से। दिस इज़ ऑल अबाउट माई दिस व्लॉग। तो बाकी का मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।